मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी मोरल स्टोरीज की जो मैं आजकल इवान को बहुत सुना रही हूँ। स्टोरीज जो है वो बहुत असेंशियल पार्ट है बच्चे के ग्रोथ का। स्टोरीज हमें उन्हें पढ़ के सुनानी चाहिए, और रात को सोने से पहले एक बार उसको स्टोरी वाली आदत पड़ जाए तो बस बच्चा आराम से सो भी जाता है। तो आजकल मैं उन फाइव स्टोरीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसके मोरल उसको बता रही हूँ। तो मुझे लगा आपके साथ अपनी चीजें जो है वो शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और मैं कौन सी स्टोरी सुना रही हूँ वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक रिक्वेस्ट, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली स्टोरी जिसकी हम बात करेंगे वो है नीडल ट्री। मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी सारी स्टोरीज का। नीडल ट्री में दो भाई होते हैं, और वो बहुत ज्यादा आपस में, मतलब जो एल्डर ब्रदर होता है वो बिल्कुल भी अपने छोटे भाई से प्यार नहीं करता। तो एक बार वो एक ट्री के पास जाता है, ट्री जो है उसका ये नेचर देखता है तो उसके ऊपर नीडल्स गिर जाती हैं। मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज है। इवान को इतनी इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी जब मैंने पहली बार सुनाई, मैंने सुनाई भी और उसको मोबाइल पे दिखाई भी, तो उसको बहुत पसंद आई। तो नीडल ट्री नाम की स्टोरी है ये। जो पांचों स्टोरीज का नेम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बच्चे को जरूर सुनाइएगा, बहुत बढ़िया स्टोरीज है। सेकेंड स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वुल्फ आया वुल्फ आया, जिसमें एक बच्चा जो है वो अपनी शीप्स को लेके जाता है ग्रास खिलाने के लिए, और पेड़ पे बैठ के बोलता है वुल्फ आया। गांव वाले भागे भागे आते हैं, वुल्फ नहीं आया होता, और एक दिन असली में एक वुल्फ आ जाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता क्योंकि वो झूठ बोलता है, तो सबको ऐसा लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा होगा। तो ये वाली स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो हम बचपन से सुनते आए हैं, तो ये वाली स्टोरी भी बच्चे को जरूर सुनाइएगा। थर्ड स्टोरी है काउंटिंग वाइजली। ये अकबर बीरबल की स्टोरी है, जिसमें जो अकबर है वो क्वेश्चन पूछते हैं सारे दरबारियों से कि बताइए इस पूरी सिटी में कितने क्रो हैं, तो उसका जवाब सिर्फ बीरबल दे पाते हैं। तो बस ये वाली स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अगर आपका बच्चा 2.5 साल से ऊपर है तो वो सारी स्टोरी समझेगा। उसके अलावा एक स्टोरी है द गोल्डन टच। द गोल्डन टच स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जिसमें एक मैन है वो बहुत ग्रीडी है, वो चाहता है मैं जिस चीज को टच करूं वो जो है वो गोल्ड की हो जाए। तो वो एक दिन गलती से अपनी बेटी को टच कर देता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और वो गोल्ड की बन जाती है। तो इसमें भी सिखाते हैं कि इतना ग्रीडी ना होइए, कुछ नहीं रखा यहीं पे रह जाना है सब। तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। और एक और है मिल्क मेड एंड हिज पेल, जिसमें एक लेडी होती है वो दूध निकालती है, फिर वो मार्केट में जा रही होती है सेल करने, तो डे ड्रीमिंग करती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मैं अपना फार्म खोलूंगी, फिर मैं एक हाउस खरीदूंगी, और इतने में उसे झटका लगता है और उसका सारा दूध गिर जाता है। तो ये पांचों स्टोरीज आजकल मैं इवान को बहुत सुना रही हूँ, वो बहुत एंजॉय कर रहा है, इनके मोरल भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सर्च करिए जाके नेट पे, पढ़िए या फिर देखिए, और फिर बच्चों को दिखाइए और रात को भी सुनाइए, तो उनको बहुत मजा आएगा और उनका स्टोरी वाला पोर्शन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, मुझे लगा मैं आजकल क्या कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको बताइए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।